बायोस्टेट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। तहसील ठियोग के मतियाना खंड की धर्मपुर पंचायत के डोडरा क्षेत्र के देवता साहिब टोटू धीरेश्वर महाराज की द्वाला यात्रा का आज आरंभ दरबार धर्मपुर मधान में देवता महाराज व देवचरण राणा साहब मधान के मिलन से प्रारंभ हुआ। देवता डोडरू की द्वाला यात्रा 4 दिन की होती है व 5वीं रात्रि देवता जी वापस डोडरा आते हैं। देवता डोडरू मधान क्षेत्र के प्राचीनतम देव है और शिव स्वरूप में विराजमान है। यह द्वाला यात्रा शांत महायज्ञ से पहले कार सेवा के रूप में की जाती है और मधान में देवता अपने पूरे 7वीं क्षेत्र में जाते हैं। देवता जी की शांत महायज्ञ 14 मई से 18 मई होनी निर्धारित हुई है। राणा मधान को देवता साहिब अपना वाम अंग की मान्यता अर्थात बराबरी की मान्यता देते हैं। इसी कारण राणा मधान देवता के मुखिया है व देवता के साथ उनकी भी बड़े कार्य में पूजा की जाती है। देवता जी के सभी कार्य और अनुष्ठान इन्हीं की अध्यक्षता में किए जाते हैं। मतियाना क्षेत्र के कुलजारी खानदान देवता साहिब के मुख्य काजी है, जिनका डोडरा में देव कार्य में शामिल होना बड़ा अनिवार्य रहता है। आजकल इस काजी के पद की परंपरा कुलजार मतियाना के अधिवक्ता राजीव ठाकुर निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24 हिमाचल। जरूरी है सूरज का इंतजार ना करना, रात लगा के बेजुबानों का सहारा बनना। जरूरी है नदियों का रुख बदल के किस्मत का रुख बदलना, ट्रैक्टर को अपनी शान बनाना, मिट्टी सने कपड़ों को अपनी पहचान बनाना। जरूरी है बड़े ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत बनाना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बायोस्टेट का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है।